आजकल पांव जमीं पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी स्नो पर मुझे चलते हुए। बोलो बोलो बोलो, गेट पंजाबी वेख रहे सारे दर्शकों नु शहरी दत्ता दी प्यार परी सत्कार परी नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू सांझ तिलां दी। की हाल है जी, सारे ठीक ठाक हो? एक अंतराल तो बाद सानू मिलन दा मौका मिलदा है। शनिवार एतवार जिहड़ा है वो 2 दिन इदां बीत जांदे ने पता ही नहीं चलदा, और उस तो बाद आ जांदी है सोमवार नू सवेरे सवेरे स्नो। और स्नो दे विच मैं गा लैनी हां एक गाना, हुण गाने ना गाण लग जाणा, क्योंकि सोमवार दा जो दिन हैगा उस दिन असीं एक दूजे दे नाल शेयर करदे हां। बोलो बोलो की कुकिंग। अच्छा, कुकिंग भी कोई शेयर करन वाली चीज़ है? कुकिंग ते करन वाली चीज़ हैगी है, कुकिंग दे विच किन्ना कुछ हैगा। कोई मैनूं दस सकदे कि प्याज जिहड़े हैगे आ उह किहड़े वरतने चाहीदे आ? लाल वाले, चिट्टे वाले, हरे वाले, एक पीले जे प्याज हुंदे आ जिन्हां नूं छिल्लो ते पता नहीं किस तरह दे हाथ हो जांदे आ। भाई अमरीका दे विच आ के ते वैरायटी बड़ी हैगी आ, इंडिया दे विच तां इक्को प्याज हुंदे सी, उहनां नाल ही अक्खां जिहड़ियां उह पाणी वगदा रहिंदा सीगा, और साडे कोल कोई ऑप्शन नहीं हुंदी सी। जदों थोड़ी जिही गर्मी दा मौसम आंदा सीगा ते हरे हरे प्याज बड़े स्वाद लगदे सीगे। स्मेल दी किस नूं फिकर हैगी है जी, जदों खाण विच प्याज चंगे लगदे आ। और वैसे भी जिहड़ा साडा पंजाबी कल्चर हैगा उस दे विच ते मक्की दी रोटी, सरों दा साग, उत्ते कटे होए इदां तोड़ के जड़े वाले प्याज होंगे ना, वो खाण का कुछ स्वाद ही। स्नो दे विच पकौड़े हो जान फिर की हाल है ना? सोच रहे हो ना भाई, कई लोग तो बना रहे होने आ पकौड़े, कई घर विच होने आ, कई बच्चों के नाल होने आ, और कई बच्चों नू स्कूलों ले जाने की तैयारियां कर रहे होने आ। एनीवे इस दे विच ही टाइम हो गया सांझ तिलां दी, गल्लां करांगे एक दूजे दे नाल। एब्सोल्युटली लाइव प्रोग्राम हैगा, स्क्रीन ते विखाए नंबर ते तुसीं कर सकदे हो मैनूं कॉल। मेरे कोल अज बहुत कुछ है तुहानूं दस्सण दे वास्ते, और बहुत कुछ की है बई, अजकल दी जिहड़ियां कुड़ियां हैगियां उहनां कुड़ियां नूं ना बड़ा नवीआं नवीआं चीज़ां दे बारे पता हुंदा है। हुण असीं बजुर्ग लोक की सानूं की पता, जदों आ के अचानक मेरी बेटी मैनूं कहेगी मामा तुसीं जिहड़ी बबल्स टी हैगी आ उह ट्राई कीती आ? मैं क्या पुत बबल टी उह की हुंदा आ, मैनूं ते नहीं पता। देखिया मम्मा मैनूं पता सीगा तुहानूं नहीं पता। सो लो जी, बबल टी दा अजकल बड़ा रिवाज़ हैगा, ते मैं थोड़ी जी उस ते ना सर्च कीती, मैं क्या वी बबल टी की चीज़ हैगी आ। फिर बबल टी पीण दा मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कि डियर रूपम दे नाल मौका मिलिया, वड़ गईआं जी असीं चाइनीज़ स्टोर ते। उत्थे जा के ना इक उहनां दी बेकरी दा सैक्शन सीगा, उत्थे मिलदी सीगी बबल टी। मैं क्या भाई बड़ा सुणिआ हैगा बबल टी, क्यों ना पीती जाए। बबल टी पीती जी, स्वाद ठीक सीगा। टी दे नाम ते इक अजीब जिहा धोखा सीगा, क्योंकि टी वर्गा उहदे विच कुछ नहीं सी। मैनूं थोड़ा ना नारियल दीआं चीज़ां पसंद ने, ते मैं नारियल फ्लेवर्ड उहनूं कहा कि मैनूं इह जिहड़ी टी है थोड़ा जिहा जे चंगी ना वी होई ते चलो पैसे बर्बाद करन तों चंगा कुछ नारियल दा स्वाद तां आऊगा। लो जी ऑर्डर कर दी थी, जदों पीती ठीक सीगी, मतलब शरबत वर्गा स्वाद हुंदा है। और उस दे विच ना जो मोटे मोटे पूरे पूरे जिहड़े दाणे हुंदे आ चिप 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 करदे हैगे आ, वो कहिंदे वो बड़े स्वाद लगते जी। चलो जी, मैं कुछ ज़्यादा कॉमेंट्स किए नहीं, पर मैनू ठीक ठाक ही लगी। फिर उस ते थोड़ी जी रिसर्च की गई कि है की। सो गल मुक्ति हैगी है साबूदाने ते, मैनू स्वाद साबूदाने वर्गा ही लग रहा सीगा। ते सोचिया कि भाई बाहर जदों $5 तुसी खर्चदे हो ते थोड़ा जिहा लगता कि आह मिठा पानी पीण वास्ते $5 खर्च रहे हैं, तो क्यों ना इसनों घर बनाया जाए। चलो जी, अज तुहानूं दसांगे बबल टी तुसी घर विच किस तरह बना सकते हो। और दूजा वो कुछ चीज़ां कि तुसी कोई एहतियात वरतदे हो सौण तो पहले, कि कुछ भी खा लैंदे हो, राजमाह छोले, काले छोले, कढ़ी, भिंडी, बताऊं, कुछ भी खा के तुसी सौं जांदे हो, फिर तुसी मैनूं फोन करके कहिंदे हो घरेलू नुक्तियां दे विच कि शहरी साडे गोडे मोडे सारे आकड़े होए ने। ते मैं हुण इस वारी जो भी मैनू फोन आएगा उन्हां तों पुछना चाहनी हाँ कि अपने खाने दे विच कुछ चीज़ां तुसी ऐड करदे हो जां नहीं, क्योंकि खाना दोस्तों बहुत जरूरी साडी जिंदगी दा हिस्सा है। कई लोग खाण दे लई जींदे ने, कई कहिंदे आ जी असीं तो बस हम तो चलते जा रहे हैं जिंदगी, खाना तो बस नाम मात्र ही खाते हैं। सो ये दो चीज़ां जिहड़ियां वक्खरियां वक्खरियां ने, किन्नी इंपोर्टेंस दिंदे हो तुसी
खाने नू जेड़ा कि सौण तो पहले खाया जाता है। सो अज के प्रोग्राम दे विच तुहानू दसांगी कि सौण तो पहले वो 10 चीज़ां जेड़ियां कि बिल्कुल नहीं खानियां चाहीदियां जेकर तुसी अपने वजन दे लई थोड़े जे भी अलर्ट हो, थोड़े जे भी कॉन्शियस और चाहते हो कि तुसी स्लिम ट्रिम बन के रवो। और इस दे नाल ही वह फल जेड़ा कि तुहाडी याददाश्त नू जेकर याददाश्त कमज़ोर हो रही है और तुसी सोचते हो मेरे वर्गी गल बई उम्र का तकाजा है, हुण उम्र हो गई है, हुण ते याददाश्त भी कमज़ोर होगी। सो जेकर तुसी इस तरह कुछ सोचते हो तो तुहानू सोचण की जरूरत नहीं हैगी है क्योंकि दुनिया के विच कुछ अजिहे फल अजिही सब्जियां हुण भी हैगियां ने जिन्हां नू खा के तुसी रख सकते हो अपनी याददाश्त एकदम तेज़। सो लो जी तैयार हो जाओ, तुसी दसो मैनू कि तुसी प्याज किहड़े वरतदे हैगे हो ते क्यों ते किहड़े प्याज वरतने चाहीदे ने और उस दे नाल नाल मैनू दसो कुछ नवे खाने दी टिप्स। दुनिया भर तो गैट पंजाबी टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर जी आया नू करना चाहनी हाँ और प्रोग्राम दी लैने आ पहली कॉल, वेखदे सारे दर्शक सानू की कह रहे ने। कुर्सी मेरी थोड़ी उच्ची हो गई है, टेबल थोड़ा नीवा हो गया। हाँ जी सत श्री अकाल जी। हेलो जी सत श्री अकाल, कौन गल कर रहे हो? ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ, 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਚਲ ਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ, ਜੇ ਮਿਲੂਗੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ, ਅੱਛਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਰੰਗੀ ਆਂਟੀ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? हरजीत भैन जी नूं चाहीदी हैगी है जी रेसिपी अंबरसरी कुलचे दी। सो जदों बन जाणगे सानूं दसना जरूर कि किहो जे बने। और तदों तक प्रोग्राम सारे बहुत वधिया दे, मेरे बहुत चिर पिछों काल मिली, मैं बहुत ट्राई करदी भैन जी। मेरी बेटी दा वी मैं बुधवार नूं कह दूंगी, मैं 16 साल हो गए मेरी बेटी ठीक नहीं रहिंदी। नहीं मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, इह प्रोग्राम जो सांझ दिलां दी प्रोग्राम, इसदा नाम भी यही है, इसदा मकसद भी यही है। मेरा वस चले ते मैं तुहाडे सारिआं दी सेवा दे विच 24 घंटे हाजिर होवां, पर मैनूं लगदा है फिर मेरे तों घर ते मतलब हसबैंड ते बच्चे फिर नहीं सांभे जाणे, इस करके मैं तुहाडी मदद करन दी पूरी कोशिश करांगी। मैनूं बच्ची तों ईमेल करवा दिओ। हाँ जी मैं ईमेल करा के नहीं पुछोतम भाई ने दसा, हाँ बहुत लाइक रच के इंडिया तो। मैनूं तुसी ईमेल कीती हैगी या केड़े नाम तों कीती है? बिल्कुल ठीक है, बुधवार नूं असीं इस बारे जरूर गल करांगे, ठीक है? साडी वी बेटी है, फिकर ना करो। ओके ओके, थैंक यू, ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम जी। सत श्री अकाल, कौन गल कर रहे हो? हेलो, जब तक तुहाडे तक आवाज़ आनी है बई, भैन जी ने सानू पुछिया देसी खंड की हुंदी है। इंडिया दे विच जदों रहिंदे सीगे ते देसी खंड जिहड़ी आ ओह थोड़ी जी डिफरेंट हुंदी सीगी, इत्थे आ के ते जिहड़े फल ने खास तौर ते जिहड़ा की कहिंदे आ चुकंदर, चुकंदर तो खंड बनदी हैगी है। सो असी जिहड़ी आ ओह रॉ शुगर, ऑरगैनिक शुगर है जिहड़ी, ओह वरतण दी मैं ते कोशिश करदी हाँ, नहीं होए ऑप्शन ते फिर कोई गल नहीं। सो जिस किसी नूं भी इस बारे होर डिटेल दे विच पता है ओह प्लीज़ साडे नाल शेयर करो जी। सत श्री अकाल। न्यूयॉर्क शामी 7 बजे तक हले स्नो है, सची देख लो ताइयो ते मैं क्या आज कल पाँव जमीन पर पड़ते नहीं मेरे, क्योंकि स्नो ते क्योंकि स्नो ते जे तुरना पैंदा इस करके। एनीवेज ओके वेदर है जी। दविंदर जी अंबरसरी कुलचा दस रहे हो? मैनूं ओहदा नहीं पता। ते फिर की दस रहे हो, दसो तुसी ते सारियां चीजां वधिया दसदे हो। मैं एकदम तुहानूं पहला लास्ट वाला थोड़ा जिहा करैक्ट करना है। हां जी दसो दसो प्लीज, तुसी मैनूं फोन भी कीता सीगा, मैनूं याद नहीं रहा। मिक्स सब्जियां दा हां जी, उस च सोया सॉस पानी सीगी। हां जी सोया सॉस विच पानी सीगी जी। एक थोड़ी थोड़ी कच्चियां रखनी है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी कच्चियां गालना नहीं है, ठीक है,
जी ਤੇ ਬਸ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿੰਚ ਜਿਹਾ ਸਾਲਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਗੋ ਫਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਪਕੌੜੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਚਾਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ माइक्रो चाह बिलकुल माइक्रो च बनाने की कोशिश की जाती है हांजी चलो नहीं हुण असीं मसाले वाले टी बैग्स लिया के रखांगे काम ही मुकाओ स्वाद हर वर्गी हर वारी इको वर्गा आना चाहिए ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਸਾਲਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ 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 ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਮੱਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੀ ਸਪੂਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਮੱਗ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਮੱਗ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ 1/4 ਸਪੂਨ ਪਾ ਦਿਓ ਮਸਾਲਾ ਅੱਛਾ 1/4 ਸਪੂਨ ਪਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 1/4 ਸਪੂਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਟੈਟਲੀ ਦੀ ਉਹੀ ਉਹੀ ਹਾਂਜੀ पालक आलू ते प्याज दे जिन्हानू वैसे ते सारेयानू ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन पकौड़े आंदे ने पर आलू प्याज ते पालक दे पकौड़े जल्दी तो दस दो दविंदर जी नहीं ते ब्रेक करना पेगा एक पाउंड पालक दो अनियन मीडियम वाले ठीक है दो अपने प्याज और अपने आलू मीडियम वाले ठीक है इन्हों थोड़ा ब्रिक भी कर लो जी जी पालक लेनी है ना पालक चाप वाली लेनी है फ्रोजन पालक लेनी है ठीक है हाँ जी चाप वाली ठीक है ते इन्हों आलू नू ते प्याज नू ब्रिक भी कट लो ठीक है विच हरिया मिर्चा ब्रिक भी कट लो नमक मिर्च अपने स्वाद अनुसार पा लो जी थोड़ा जो धनिया का पीस के ना जिदा दादर जहा कर लो ठीक है ओ पा लो ते विच ओदे अपना अनारदाना पिसया होया अनारदाना भी होना चाहिए घर विच हाँ जी ओ पा लो कच्चे भी रह जाते हैं ठीक कह रहे हो हाँ जी बस बाद पकौड़े बना लो ओके ਬਾਕੀ ਚਟਨੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚਟਨੀ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਚਟਨੀ ਹੈਗੀ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਚਾਪ ਅਨੀਅਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਛ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਦੋ ਪੋਥੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਪੋਥੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਓਕੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਗਾਜਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਾ ਸੇਬ ਕੱਚਾ ਵਾਲਾ ਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਚਟਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਕੱਚਾ ਵਾਲਾ ਹਰਾ ਓਕੇ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਫੇਦ ਨਮਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਚਟਨੀ ਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दीदी मैं तो भूल ही गई थी मम्मी ने तेरे लिए असली घी भेजा है और मैंने स्पेशली पैक किया अच्छा जल्दी आना क्या कर रही है लक्ष्मी आई आई पहले अपनी आंखें बंद करो दीदी ऐसा घी सिर्फ मम्मी ही बना सकती है सब लक्ष्मी माँ की कृपा है लक्ष्मी घी मेड प्योर मेड फ्रेश मेड अंबा ज्वेलर हर किसी दी पहली पसंद वेस्टर्न ते ट्रेडिशनल ज्वेलरी दी वैरायटी दी है परमार हर तरह दी पार्टी वेडिंग ओकेजन ले तुहानू करदा है तैयार नाल ही अवेलेबल हन 24 कैरेट गोल्ड कॉइंस से स्पेशल गिफ्ट्स अंबा ज्वेलर्स
3713 74th Street, Jackson Heights, New York. Phone 718-639-2300. मिराज बैंकेट हॉल एंड रेस्टोरेंट, वेडिंग हो गई या बर्थडे पार्टी, मिराज है परफेक्ट हर सेलिब्रेशन लिए। मिराज इंडियन क्यूजिन विद प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटी, विजिटर्स लिए प्राइवेट पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। Are you in deportation? Do you have a complex immigration matter? Has your immigration case been denied? For all your complex immigration matters, including family-based immigration, employment-based immigration, deportation, citizenships, battered spouses, call Gahey & Associates at 718-263-5999 for a free initial consultation. Over the years, we've helped many people in getting the green cards. Would you like to have your green card? Call Gahey & Associates now. प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। अरे तुमने मेरे हाथ के पकौड़े नहीं खाए। तुम अपने आशिकों को छोड़ हमें मौका दोगी तब ना। लक्ष्मी लक्ष्मी, खांड भी तो मैं बनाती थी, स्पेशली गांव से देसी बेसन मंगवा कर। क्यों, यहाँ का बेसन नहीं चलता? यहाँ के बेसन में वो बात कहाँ। पर ये तो लक्ष्मी है, इनको लक्ष्मी के बारे में बताने की जरूरत नहीं। लक्ष्मी बेसन कहाँ मिलता है? आंटी जी, किसी भी इंडियन स्टोर में लक्ष्मी बेसन। मेड प्योर, मेड फ्रेश, मेड हियर। हाथों की अपनी दास्तां होती है, कभी सृष्टि तो कभी विनाश। ये देखती है, कभी ये सहारा तो कभी विश्वास। सदियों से ये खिलाए पीढ़ियों को निवाला, और हर निवाले में हो शक्ति भोग आटा। जब हाथों से खिलानी है दो वक्त की रोटी, तो वो जरूर हो शक्ति भोग आटे से बनी, अपने देश का नंबर वन। ओबामा केयर अनुसार 2014 दे शुरू तो अमेरिकन्स लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराना लाजमी कर दिया गया है। जेकर तुहानू पहला तो ही कोई हेल्थ इशू है, तद भी इंश्योरेंस कंपनी वालों इंश्योरेंस देने लई तुहानू मना नहीं किया जाएगा। पंजाब इंश्योरेंस सर्टिफाइड एडवाइजर थानू सही अते वधिया प्लान लैण च पूरी मदद करनगे, जिस दी कोई फीस नहीं होएगी। ओबामा केयर विच एनरोल होने दी डेडलाइन 31 मार्च 2014 है। सो अमेरिका दे किसी भी शहर साडा प्रोग्राम देख रहे हो, ओबामा केयर हेल्थ इंश्योरेंस कराउण लई पंजाब इंश्योरेंस दे नंबर ते हुणे कॉल करो। जिन्हों के अज है जन्मदिन, जिन्हों की हैगी एनिवर्सरी, उन्होंने बहुत बहुत मुबारक मेरे वालों और गैट पंजाबी की सारी टीम वालों। सो जन्मदिन मनाओ, स्नो दे विच, जे न्यूयॉर्क दे विच हैगे, बाहर सोच रहे हो रहे हो ना किस तरह जावांगे, पर कोई गल नहीं, घर दे विच कोई भी साड़ी कुकिंग तो कुछ भी सीख के, कुछ भी इंटरनेट पर सर्च करके, कुछ भी वधिया जे बनाओ, फैमिलीज़ नू बच्चियां नू इनवाइट करो, खाओ, इंजॉय करो। हर दिन त्यौहार ही है, हर दिन फेस्टिवल है, हर दिन खुशियां दा दिन हैगा, पर मन दे विचों गल आनी चाहिए है। सो प्यारे दर्शकों, आज कुकिंग स्पेशल दे विच मैं जो तुहानू दस रही हैगी हाँ, वह है कि सौण तो पहले केड़ियां 10 चीज़ां ने जिहड़ियां तुहानू अवॉइड करनियां चाहीदियां ने, और केड़ा वह फल हैगा जिसनों खा के थोड़ी याददाश्त थोड़ी जी तेज़ हो सकती है। सो लो जी, शर्मा भाभी जी ने सानू दस्या कि जिन्हानू ढिड दे विच कोई परेशानी रहिंदी है, डाइजेस्ट नहीं हुंदा, पचदा नहीं हैगा खाना, उन्हां दे लई जूस बहुत वधिया दस्या। वैसे बाय द वे, जूस तुसी अपने खाने दे विच शामिल करदे हो ना, जूस पींदे हो ना कि नहीं? लै दस, जूस जरूरी है जी,
फ्रेश जूस जूसर मंगाओ हुण छड़ दिओ हुण कोई इस वारी जिहड़ा सूटां दा खर्चा हैगा ना उहनू रख दिओ एक पासे जूसर मंगा लो मैं पहले भी कहा सीगा और चार गाजरां चार टमाटर दो चुकंदर और थोड़ा जिहा उस दे विच पुदीना ते नींबू बाद विच ते काला लून पा के इसका जूस एक बार फिर चार गाजरां चार टमाटर दो चुकंदर इन्हां दा जूस तुसी आप भी पियो नाले बच्चियां नूं भी पियाओ ते वेखो फिर तुहाडी जिहड़ी रंगत हैगी आ उह किन्नी वधिया हो जाएगी क्योंकि जिहड़े लाल रंग है जिहड़ा तुहाडे बॉडी दे विच जिहड़ा लाल रंग है वह तकरीबन मन्निया जांदा है भी लाल सब्जियां खाण दे नाल हुंदा है बाकी यह गल किन्नी सच्ची है मैनूं पता नहीं हैगा क्योंकि जदों असीं छोटे हुंदे सी सानूं लाल लाल फल खवाए जांदे सी कि बच्चे जिहड़े आ उहनां दा रंग लाल हो जाएगा हुण तुसीं इस गल नूं मंनदे हो कि नहीं इह हुण तुहाडे उपर है बिल्कुल नैक्सट कॉल सति श्री अकाल जी सति श्री अकाल जी हाँ जी कौन गल कर रहे हो मैं बरबीर सिंह करदा जी हाँ जी सिंह साहब की हाल है ठीक है जी मैं थोनू परशोत्तम नूं नंबर देना सी जी मैं उहनां तों दो बीमारियां बारे पुछणा सी अच्छा ते तुसी इस लई बुधवार नूं फोन करो प्लीज या मैनूं ईमेल करो तुसी नंबर दे दिओ उहनां नूं तुसी मैनूं ईमेल करो प्लीज सति श्री अकाल जी हेलो हां जी कौन गल कर रहे हो थोड़ा जा दसो मेनू मैं नहीं बनाया पालक पनीर चंगा लग्या मैनूं तुसी पुछ रहे हो पालक पनीर सारियां दा अपना अपना वखरा वखरा तरीका है पर पालक दे लई खास ख्याल करना पैंदा है कि पालक बहुत ज़्यादा गले ना सो जदों भी तुसी पालक नूं मैं कोशिश करदी हाँ कि दो या तीन मिनट उसनूं चंगी तरह वॉश करके एक एक पत्ता वॉश करके उसनूं माइक्रो कर लवो माइक्रो ते सब तो बेस्ट हैगा माइक्रो कर लिता ते पालक दे जिहड़े पत्ते आ उह गलदे नहीं हैगे ज़्यादा सानूं पता हुंदा है जे कुकर दे विच स्टीम करोगे तो फिर जो पानी है पालक का वह सामभ के रखना तुसी उसनू पानी नू सुटना नहीं हैगा सो हुण तुसी वेखो किन्नी पालक हैगी है और उसकी पालक के हिसाब जिस तरह दो गुच्छियां पालक हैगियां ते जिन्हां नू पनीर ज़्यादा पसंद हैगा वो तुसी पनीर अपनी मर्जी मुताबक विच ऐड करो ठीक है दो गुच्छियां ते तुसी मतलब पाइया पनीर बहुत हैगा क्योंकि पालक जिहड़ी बिल्कुल सुकी सुकी नहीं ना चंगी लगती सो जदों पालक स्टीम हो जाए फिर उसनू तुसी ग्राइंड करना है ठीक है पालक जो स्टीम हो जाए फिर उसनू ग्राइंड करना है ग्राइंड करन तो बाद मैं पनीर नू फ्राई नहीं करती पनीर दे छोटे छोटे स्क्वायर पीसिस कट के वह वक्रे रख लो फिर तैयार करना हुंदा है तड़का सो तड़के दे भी सारियां दे अपने अपने तरीके आ कई प्याज लंबे लंबे सिर्फ फ्राई करते हैं और टमैटो पेस्ट यूज़ कर लेंगे पर मैनू चंगा लगता है सारी सब्जियां जिहड़ियां वह फ्रैश यूज़ कीतियां जान सो इस दे लई तुसी दो छोटे मीडियम प्याज जिहड़े आ उन्हां नू बरीक बरीक कट लवो उन्हां नू तुसी एक चम्मच ऑयल जो भी थोड़ी मर्जी का ऑयल हैगा उसनू ऑयल नू पैन च पाओ प्याज फ्राई करो कोशिश करो कि प्याज चंगे फ्राई हो जाण क्योंकि एक चिट्टे प्याज जिहड़े तड़के विच हुंदे आ एक प्याज जिहड़े चंगे भूरे होए हुंदे आ इन्हां दे दोनों के स्वाद दे विच बहुत फर्क हुंदा है सो मैनूं चंगा लगता है चंगी तरह ब्राउन किते हुए पर सड़े हुए नहीं ब्राउन किते हुए प्याज उस दे विच तुसी लसन कद्दूकस कर लवो जां तुसी चॉप करना हैगा लसन अदरक चार पंच कलियां लसन दियां थोड़ा जिहा एक इंची तुसी अदरक उस दे विच पाओ और उस तो बाद तुसी एक टमाटर थोड़ा मतलब साइज चंगा होए और टमाटर नू चंगी तरह तुसी चॉप करके या कद्दूकस करके फटाफट मैनूं लगता है कि कद्दूकस किया उपर उपर ना तो वह मसाला तुहाडा चंगी तरह भुंज जाए हरी सब्जियां दे विच हल्दी अवॉइड की जाती क्योंकि हरी सब्जियां दा एक अपना ही रंग हुंदा है सो जदों तुसी चंगी तरह मसाला भुंज है उस दे विच अपनी मर्जी दा लून मिर्च पाओ हरी मिर्च इस दे विच जरूर पाओ जिन्ना तुहाडा तुहानू स्वाद चाहिदा हरी मिर्च जिन्नी तिखापन चाहिदा हैगा उस दे विच पालक नू चंगी तरह उस दे विच जिहड़ा ओह मिक्स होण दिओ जिहड़ा मसाले दा स्वाद आ जाए उस दे विच ढक दिओ क्योंकि जदों पालक नू तड़का लाते हैं तो वह पिट 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 करके चारे पासे तुहाडी गैस जिहड़ी हैगी है ना वह खराब हो जाती है सो पालक नू ढक दिओ जदों तुहानू लगे कि जिहड़ा ऑयल है वखरा हो गया तकरीबन 5-7 मिनट बाद
उस दे विच तुसी पनीर ऐड कर दिओ। कई लोग की मसाले दे नाल ही पनीर नू भुन लैंदे ने, पर इह तुहाडी अपनी मर्जी है कि तुसी पनीर बाद विच पाउणा है। सो उस दे विच पनीर पा के 5 मिनट होर ढक दिओ। जे तुहाडा मन करदा है तो इस दे विच तुसी 1 या 2 चम्मच जो हैवी क्रीम हैगी है या अद्धा कप तुसी दुध दा ऐड कर सकते हो, होल मिल्क दा। उस दे नाल उसका जिहड़ा टैक्सचर हैगा वो थोड़ा जिहा वाइट हो जाएगा। सो रेडी है जी तुहाडी पालक पनीर। आई होप कि तुहानूं समझ आ गया होणा, मैं जल्दी जल्दी दस्सिया है। चलो कोई गल नहीं, जरूरी नहीं है कि गरम मसाला हर सब्जी दे विच पाया जाए। पालक दा एक अपना स्वाद हैगा। मैं यकीन मन्यो कि किसी भी सब्जी दे विच, सगो मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त घरों सब्जी लियांदी है ते मैं उन्हूं कहनी हाँ कि तेरी मम्मी दे गरम मसाले दे विच ना कोई जादू है, मैनूं लिया के दई। मैं किसी सब्जी दे विच कोई गरम मसाला, कोई दुनिया जहान दा कोई मसाला नहीं ऐड करदी। मेरी सिर्फ लून मर्च ते हल्दी दे विच बनी हुई सब्जी हुंदी है। अज मैं राजमा बना के लियाई हाँ और असीं खावांगे इस प्रोग्राम तो बाद। ठीक है। सारे तुसी पढ़े लिखे हुण ते बनदे जा रहे हो, ते ईमेल लिखो, ईमेल करो, मैनूं पता चले कि मेरियां जिहड़ियां परिवार दियां मेरी सहेलियां भरजाइयां मेरिया सारे जिहड़े रिश्तेदार हैगे ओह किथे किथे रहिंदे आ। मैनूं दस्सदा तुसी की कित्थों गल कर रहे हो और ईमेल दे राही मैनूं होर पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, सो स्वीट ऑफ यू। मैं भी अपनी कोई रेसिपी दस दिती। सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो? हेलो, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, हाँ जी। दीदी मैं हरप्रीत बोल रही हूँ, हरप्रीत गिल। हाँ जी हरप्रीत, की हाल है? मैं ठीक हाँ, तुसी किदां? बिल्कुल ठीक, हाँ जी। दीदी मैं रेसिपी दसनी सी। सो स्वीट, दसो। कुलचे दी? चौल बनाने। चौल बनाने हैं, हाँ जी। हाँ जी, अपन यूज कर लेने हैं, रात नू खा ले। पर दूसरे दिन कोई खांदा नहीं। कोई नहीं खांदा, सच्ची? हाँ। ओके। तुसी ना चौलां नू यूज कर सकदे आ। ओके। उसके लिए तुसी ना चौलां दे पकौड़े बना सकदे आ। ओ, ए नवी चीज है, दसो किवें बना सकदे आ पकौड़े? डोंगा कुकर बच गया ते ओदे विच दो चम्मच बेसन पा के ते खिलर जान ते ओह थोड़ा जिहा माड़ा जिहा साडे दर्शकां नूं दस दिओ, है ना? तुसीं इक डेढ़ कौली चौल, दो कौली चौल जिन्ने वी हैगे साडे कोल तुसीं ओह यूज़ कर सकदे। ओके ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਗਵਾਲੀਅਰ MP ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆਂ, ਪਾਪੜ, ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬੇਕਿੰਗ ਦੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਕੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਸਕਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਵਨ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਟਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਰੈਸਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੱਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਓਵਨ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੱਕੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਮੰਮੀ ਕੁੱਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਮਨੇ, ਤੋ ਕੁੱਕੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁੱਕੀ ਦੰਦ 'ਚ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਕੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਕੁੱਕੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ।
ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ चाय ये सब तुम शाही पुलाव के लिए कर रहे हो ना बना दो ना प्लीज 49 साल से रोज यही तो खा रहे हो श्री लाल महल है तो 49 साल कट गए वरना 49 दिन भी काटने मुश्किल होते जाओ नहीं बनाती मैं तुम्हारा शाही पुलाव बना दो ना प्लीज डार्लिंग 49 के 50 भी तो करने हैं गोल्डन जुबिली मनानी है ना खुशबूदार लंबे दाने वाला श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस दादी वाओ शाही पुलाव लगता है इस बार दादाजी अपनी एनिवर्सरी नहीं भूले क्यों बिल्कुल नहीं भूला श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस खिले खिले दाने खिले खिले आप flymecheap.com फोन करो वर्ल्ड विच कितने भी सर डिस्काउंटेड एयरफेयर प्राइसेस ते साडे कोल मिलेगी इंफॉर्मेशन हर लीडिंग एयरलाइन दी फ्लाइट्स दी 18 मिलियन एक्सक्लूसिव फ्लाइट डील्स दुनिया दे किसी भी कोने ले जिस विचो तुसी चूज कर सकदे हो बेस्ट फेयर डील 24/7 कस्टमर सर्विस साडे टोल फ्री नंबर ते 855-359-4878 विजिट करो सहारा टूर्स एंड ट्रेवल्स 13222 रॉकवे बुलेवर्ड साउथ ओजन पार्क न्यूयॉर्क 11420 सुपना चाहे शानदार कार दा होवे या ऑफिस दा सच करता है सहारा कंस्ट्रक्शन जिन्हें रेजिडेंशियल कमर्शियल न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन फ्रेमिंग एक्सटेंशन डॉर्मर रेनोवेशन इंटीरियर या एक्सटीरियर हर तरह की सुविधा अवेलेबल है साडा पता है 253-12-85 एवेन्यू बेलरोस 911426 और जानकारी ले 102 फैमिली कस्टमाइज्ड हाउसेस ले अति फ्री एस्टीमेट ले तो से सानू कॉल भी कर सकते हो कांटेक्ट नंबर 718-831-6970 एंड 718-285-5945 इना नंबर्स ते तुसे फ्री एस्टीमेट ले भी कॉल कर सकते हो शुक्रिया लक्ष्मी लोअर जीआई वैल्यू बासमती राइस फॉर पीपल विद डायबिटीज आया है अब दादाजी को थोड़ी तो वैरायटी मिलनी चाहिए ना खाने में दादाजी दाल चावल जैसी तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं पर थोड़ी खीर भी मिल जाती तो लक्ष्मी लोअर जीआई वैल्यू बासमती राइस है खास डायबिटिक्स के लिए अब कम से कम लाइफ में खाने की खुशी मिलनी चाहिए ना लक्ष्मी लोअर जीआई वैल्यू बासमती राइस खास तौर पर डायबिटिक्स के लिए अपने देश की सभ्यता अपने ही लोग अपनी मातृभूमि आपके पास लाते हुए अपने देश की हर ग्रोसरी आपका अपना अपना बाजार अपना बाजार कैश एंड कैरी विद लोकेशंस इन न्यूयॉर्क एंड न्यू अरे हुजूर सुबह सुबह इतना खूबसूरत तोहफा खास है रसमलाई वाह देसी काजू के दानों से बनी दूध मलाई और मिठास हल्की सी काजू कतली बम्बई से लाई नहीं अंकल जी शामियाना मिठाई मेड इन अमेरिका शामियाना मिठाई मेड प्योर मेड फ्रेश मेड हियर जसप्रीत सिंह अटॉर्नी एट लॉ फॉर ऑल योर इमिग्रेशन मैटर्स असाइलम केसेस डेपोर्टेशन फैमिली लॉ डाइवोर्स बैंकरप्सी एंटरटेनमेंट वीजास ग्रीन कार्ड एटसेट्रा प्लीज कॉन्टैक्ट द लॉ ऑफिस ऑफ जसप्रीत सिंह With over 15 years of experience, we have handled many critical cases. We have 4 offices conveniently located in New York, Fremont, Sacramento, and Fresno. For free consultation, please contact 718-533-8444, 510-657-6444, 559-271-5511,
916-372-4448. America's favorite fashion store, Sahil. Visit our showrooms in Chicago and New Jersey or online at www.sahil.com. वेलकम जी, वेलकम बैक। कालो भैन जी साढ़े नाल हैगे आ लाइन ते। हैलो, हाँ जी भैन जी। हाँ जी। सो मेरी ते बन गई सी बड़ी टौर जदों आया सीगा मेरे लिए अचार। हुण तैयारी कर लो ते जरा ना छोटी शीशी नहीं चाहिए, जरा वड्डा मर्तमान पता चले कि अचार दा आया हैगा। सारे खा गए, सारे नु स्वाद लग गया। मैं दूर बहुत बैठी हां, कोई आके ले जाए ते कितना वधिया होवे। हां कोई नहीं, तुसी बना के रखो, फिर कोई आएगा जाएगा ते असी जरूर मंगा लांगे। चिकन दस रहे हो के नींबू दा अचार दस रहे हो? नहीं नहीं। अच्छा, लेमन चिकन। ओ अच्छा, नींबू दा रस। बड़ा ही सोखा तरीका, और विच कोई अदरक लहसुन नहीं पाना, कुछ नहीं पाना। ठीक है, दसो। हां जी हां जी, नींबू दा रस लेके एक कड़छी जा तुसी ले लो, जा तीन चार नींबू दा ले लो, है ना रस। ठीक है। हां जी, ते ओदे विच चार क जने वास्ते जिन्ना तुहानू चाहिदा ओ चिकन तुसी पा दियो विच। ठीक है। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਣਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਹਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਸੁੱਕਾ ਪਾ ਦਿਓ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਔਰ ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। वेरी नाइस, थैंक यू कालो भैन जी, बहुत बहुत थैंक यू। ओके जी, एनिवर्सरी तो विशेज आई है फ्रॉम सुरिंदर मामी जी कैलीफोर्निया तो, और सुरिंदर मामी जी ने बॉबी ते मिंटी दी एनिवर्सरी दी दित्तियां ने मुबारक। सो बॉबी ते मिंटी जी, हाँ जी, एनिवर्सरी मना रहे हैगे हो, सो कुछ केक साढ़े वाल भी। ओके, वेट करांगे। चलो जी, ठीक है जी, इस दे नाल ही मैं थानू जो दसना हैगा वह भी नोट कर लो, दस चीज़ा केड़ियां ने जिहड़ियां थानू नहीं खानियां चाहीदियां सोण तो पहले। हुण तुसी कड़ुप कड़ुप पास्ता खा लिता, पिज़्ज़ा खा लिता, कोक पी लीती, भाई माड़ी जी कॉफ़ी हो जाए किन्ना वधिया लगेगा, ते कुछ चीज़ा जिहड़ियां ने वो अवॉयड कर देना, हुण नहीं ते ऐन कुप्पा मोटे हो जाओगे, फिर पुछूगी घरेलू नुक्ते और मैं थानू बिल्कुल नहीं दसने हैगे आ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਟ ਬਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ
ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋਗੀ ਫੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਈਟ ਮੇਅਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਨਾਈਟ ਮੇਅਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਵਨੇ ਡਰਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਲਰੀ ਸੈਲਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਲਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਪਾਸਤਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਰਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਇਲ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਪਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਤਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਪੀਜ਼ਾ ਸੇਮ ਪੀਜ਼ਾ ਰਾਤੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਪਰ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਲਾਈਟ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੀਜ਼ਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਡੀ ਬਾਰਸ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਟੌਫੀ ਕੁਛ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲਓ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋ ਕੈਂਡੀ ਬਾਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਂਡੀ ਬਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰੋ ਅਵੋਇਡ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁੱਲ ਰਾਤ ਕਿ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਸਕੋ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੌਟ ਹਰਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਇਸਦੀ ਤਾਸੀਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪਾਈਸੀ ਫੂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਮੱਚ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਦਾ ਤੜਕਾ ਹੈਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਡਾਰਕ ਚੋਕਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਫੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਐਲਕੋਹਲ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓਗੇ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਜੋ ਚਿਕਨ ਨੌਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਉਬਾਲ ਲਓ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਡੋਂਗਾ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਓ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼ ਕੋਈ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਪੂ ਸਵੀਟਸ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਮਿਠਾਈਆਂ $3.99 a pound ਆਲਵੇਸ ਫਰੈਸ਼ ਬਫੇ ਸਿਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫॉर 50 ਪੀਪਲ ਓਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੱਪੂ ਸਵੀਟਸ ਫॉर ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਪੱਪੂ ਸਵੀਟਸ
We are located at Major Intersection, William Parkway, Pressler Drive. Mystic Brokerage, tuhadiya car insurance sambandhi zarurtaan da ikko ik solution. Jo karda hai tuhadi budget, black cards, green cards te library vich. Apni insurance nu renew karwan to pehla ik vaar zarur milo. Taxi te limousine de specialist. Medellin Stay Finance Facility भी अवेलेबल है। असी करांगे से तो हाडी मनी। किसी भी जानकारी ले कॉल करो 718-349-7610 ते। कंटैक्ट करो फरवरी 2014 दी इंडिविजुअल मेडेलियन ऑक्शन ले। कुनाल ज्वेलर दे गहने, वाह पई वाह क्या कहने? गहने नाल पार ले जाओ, कारवाली नू हूर बनाओ। कुनाल ज्वेलर ते आओ गहने नाल सज तज के बागो बाग हो जाओ असी तुहाडी पसंद दे 22 अते 24 कैरेट दे कड़े चेन क्वेंस डायमंड कट बैंगल्स ऑर्डर ते तैयार करदे हां गहने दी रिपेयर भी इत्थे ही करदे हां तुसी अपनी राशि दे बर्सटोन भी खरीद सकते हो इस तो इलावा साडे कोल डायमंड ज्वेलरी दी एक तो वध एक वैरायटी है होर जानकारी लई बिट्टू नूं हुणे कॉल करो 718-478-7200 याद रखो कुनाल ज्वेलर 37-08 74 स्ट्रीट जैक्सन हाइट्स न्यूयॉर्क टैक्स प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम कंप्यूटेक्स आईएनसी आओ ते अपने टैक्सां दा मसला सुलझाओ कंप्यूटेक्स आईएनसी बिजनेस अते पर्सनल इनकम टैक्स असी पेरोल एंड सर्टिफाइड पेरोल टैक्सेस एमटीए टैक्सेस वर्कर्स कंपनसेशन बुककीपिंग आदि भी करते हां कंप्यूटेक्स आईएनसी हर वेले तुहाडी सेवा दे विच हाजिर है 20 सालां दा तजुर्बा वी कवर ऑल 50 स्टेट्स असी पंजाबी उर्दू अते होर भी भाषा बोलदे हां वधेरी जानकारी लई सानू कांटेक्ट करो 718-371-5555 718-426-5695 Breed Furniture of Punjab Nawashahar proudly announces their brand new showroom. Come and see variety of furniture for living room, dining room, bedroom, kids room, office furniture and more. Buy ready-made or custom-made, Breed Furniture can do it all. Te apni pasand da furniture kharido. Valinder Singh ji nu aaj hi call karo 718-849-4530 or 917-774-8566. Breed Furniture. Apna Bazaar Cash and Carry, the biggest and the oldest grocery store in the town. For all your daily groceries, fresh produce, fruits and vegetables. More than 12,000 grocery items and produced at competitive prices. Apna Bazaar Cash and Carry. Ample free parking. Apna Bazaar, Edison, New Jersey. FlyMeCheap.com Hun karo world vich kithe vi sair Discounted airfare prices te Saade kol milegi information Har leading airline di flights di 18 million exclusive flight deals Duniya de kise vi kone lai Jis vich ho tusi choose kar sakde ho best fare deal 24/7 customer service साडे टोल फ्री नंबर ते 855-359-4878 विजिट करो सहारा टूर्स एंड ट्रैवल्स 13222 रॉकवे बुलेवर्ड साउथ ओजन पार्क न्यूयॉर्क 11420 महारत हासिल है इमिग्रेशन इंक्लूडिंग असाइलम डिपोर्टेशन डिफेंस फैमिली
एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बेस्ड इमीग्रेशन एथे हर तरह दे क्रिमिनल केसेस जिमे वायलेशन टैक्सी लिमोजिन कमीशन दे मामले रेजिडेंशियल अते कमर्शियल क्लोजिंग डाइवोर्स केसेस विल अते ट्रस्ट रिलेटेड केसेस भी सॉल्व कीते जांदे ने क्लाइंट्स दी सुविधा लई साडियां ब्रांचेस हर मेजर ट्रेन लाइन से नजदीक हन ए जे जेड ई 4523 ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਲੇਟ ਆਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਰੰਤ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ 888-824-7227 ਅਤੇ 917-728-0049 वेलकम बैक जी मैं तुहानू प्रोग्राम दे शुरू विच दस्या सीगा कि 10 चीज़ां जिहड़ियां सौण तो पहले अवॉइड करनियां चाहीदियां ने उस दे नाल ही एक फल जिसनों कि जे तुसीं खांदे हो ते तुहाडी याददाश्त वध जांदी हैगी है सो तकरीबन कुछ हफ्तियां तक चली एक रिसर्च दे मुताबिक 70 साल की उम्र दे और उस तो ज़्यादा उम्र के जिहड़े लोग ने उन्हां दी याददाश्त दे विच कुछ फर्क पै जांदा उन्हां नूं चीज़ां याद नहीं रहिंदियां सो तुसीं की कर सकते हैगे ब्लू बैरीज़ एबसोल्यूटली बिल्कुल ठीक सुनिया तुसी ब्लू बैरीज जिहड़ी कि इन्हां मुल्कां दे विच बड़ी ही आसानी दे नाल मिल जांदियां हैगियां और कई बारी ते जिस तरह वीकेंड ते सेल लगी हुंदी आ और ब्लू बैरी जिहड़ी हैगी आ $3 दे दो पैकेट मिल जांदे हैगे आ सो ब्लू बैरीज नूं तुसी लै के ब्लू बैरीज नूं धो के तुसी फ्रीज़ कर दिओ और 3 to 6 महीने तक उन्हां दे एंटीऑक्सीडेंट्स ते कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਬਲੂਬੈਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 10 to 11 ਬਲੂਬੈਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਆਂ ਚੋਕਲੇਟ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਟੀਨਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈ ਦੱਸ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਕੌਣ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਫੋਨ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਨਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਹਨਾ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 230 ਜੀ 905 ਹਾਂਜੀ 230 ਜੀ 3
D371। ठीक है जी। हाँ जी, मैंने बहुत प्रॉब्लम है, मैं ना बहुत घर भी संग दिया फिर। नहीं कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, असी प्रोग्राम दे विच कोशिश करांगे कुछ जिहड़े अज जिन्हां दे भी मैनूं अपने फोन नंबर लिखाए हैगे आ। सो सुरेंद्र बहन जी तुहाडा थैंक यू, जिन्हां दे भी तुसीं नंबर लिखाए हैगे आ। मैं देखो प्यारे दर्शको, पुरशोत्तम अंकल हुण जिहड़ी साडी पॉपूलेशन हैगी, जिहड़े असी पंजाबी हैगे आ, असी बहुत ज़्यादा और तकरीबन जिहड़ी प्रॉब्लम्स ने ओह मिलदी जुलदी हुंदी है। सो इह 3-4 जिहड़े तुसीं मैनूं नंबर लिखवाए ने, कोशिश करांगे कि पुरशोत्तम अंकल तुहानूं कॉल कर सकन, नहीं तो अपने प्रोग्राम दे विच इन्हां परेशानियां तो जुड़ी गल करन दी पूरी कोशिश करांगे। मैं तुहानूं दस्सिया कि बबल टी जिहड़ी हैगी आ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਬਲ ਟੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਲੇਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਬਲਸ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਬੂਦਾਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬੂਦਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲਸ ਨੂੰ ਚਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਉਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਪੀਓਕਾ, TAPIOCA ਟੈਪੀਓਕਾ ਪਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੋਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਢਾਈ ਬੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੌਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ, ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮਿੰਟਸ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲਣ ਦਿਓ, ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਰਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਊਨ ਖੰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਖੰਡ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਬਲਸ ਉਬਲ ਜਾਣ, ਚਿਪਚਿਪੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਗੋਂਦ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਥਾਰ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਲਾ ਭਰ ਕੇ ਬਣਾ ਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2 ਕੌਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲਾ ਸ਼ੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਰ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਖੰਡ ਦਾ ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਸ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਲੈਕ ਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਔਰ ਉਹੀ ਬਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਬਲ ਟੀ ਪੀਓ। ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਬਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੂਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਬਬਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਬਲ ਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਘਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਫਲ ਜੋ ਹੈ ਬਲੂਬੈਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਨੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਮਹਿ